नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और सिलीगुड़ी मंडी में। तो चलिए जानते हैं आज क्या आया क्या नहीं आया, क्या भाव में बिका, आज का भाव क्या चल रहा है। मौसम भी थोड़ा आज साफ नहीं है, मौसम भी बारिश के जैसा हो रहा है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या आइटम क्या भाव में बिका है। तो सबसे पहले चलते हैं टमाटर की साइड ही, जानने की कोशिश करते हैं टमाटर की क्या पोजीशन है, क्योंकि टमाटर में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले टमाटर की साइड चलते हैं, नहीं तो मिर्ची नज़र आ गई है, सबसे पहले मिर्ची को ही देख लेते हैं फिर टमाटर की साइड चले जाएंगे। नमस्कार भैया, तो ये मिर्ची है हाइब्रिड। क्या पोजीशन आज मिर्ची की? आज 30 रुपए बिक रहा है। 30 रुपए, मतलब इसमें ज्यादा अप डाउन नहीं होता क्या मिर्ची में? आज का इसका पोजीशन 30 रुपए है, और एक तो आया था आपका बाहर का मिर्चा माइक्रो बोल के, माइक्रो 40 रुपए। माइक्रो मिर्ची भी आती है? हाँ। जैसे G4 वगैरह मिर्ची आती है वो इधर आती है क्या? G4 तो अभी नहीं निकल रहा है, निकलेगा कुछ दिन के। हाँ, वो उधर नासिक में गुजरात में जो होती है G4 अभी नहीं आया, अभी वो मिर्चा लास्टिंग नहीं होगा, लास्टिंग नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ आए तो बिकती है क्या? यहाँ पर G4 नहीं है ना, यही है अपने हाइब्रिड वाली मिर्ची है, हाइब्रिड वाला। चलो धन्यवाद भैया। तो ये G4 तो इस साइड में नहीं आती है, और ये हाइब्रिड मिर्ची है। और दूसरा असम से जो मिर्ची आती है वो बिकती है, असम की मिर्ची बहुत ज़्यादा चलती है। तो ये तो मिर्ची का भाव हो गया, हरी मिर्ची का। तो अब चलते हैं टमाटर की साइड, देखते हैं कि टमाटर की क्या पोजिशन है। और ये ट्रक वाले ठोक देंगे भैया। तो ये ट्रक वाले भाई साहब निकल रहे हैं, तो उनके निकलने के बाद पीछे वाली साइड में चलते हैं और जानते हैं टमाटर का भाव। तो आज इधर सब्जियां तो कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, हो सकता है ख़त्म होगी हो, लेकिन टमाटर तो दिखाई दे गया है। तो सब टमाटर जान लेते हैं क्या भाव है। तो ये वाला टमाटर आया हुआ है। और भाई क्या हाल है, क्या पोजीशन आज की? आज का पोजीशन 30-32 है। 30-32, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हो मतलब, तो आगे और भी बढ़ने का चांस है मतलब? बढ़ने का थोड़ा चांस है। तो ये क्या नासिक वाला ही है क्या? नासिक का ही हाइब्रिड, नासिक का हाइब्रिड ही होता है। हाँ, गोल वाला भी वहाँ होता है ना? होता है लेकिन यहाँ पे नहीं आता, यहाँ नहीं आता, चलता नहीं है क्या यहाँ पे? वो यहाँ पे नहीं चलता, तो चलता नहीं यहाँ, यही गोल माल नहीं चलता यहाँ। ओ, खाली लंबे वाला ही चलता है, लंबे वाला ही चलता है खाली। चलो धन्यवाद भाई आपके भाव देने के लिए। तो ये था टमाटर का भाव, बाकी तो कुछ और दिखाई दे नहीं रहा है हमको ढंग से, फिर भी देखते हैं कहाँ पे क्या है। हाँ, तो ये शिमला मिर्च दिखाई दे रही है, क्या भाव शिमला मिर्च भाई? ये तो असम की शिमला मिर्च है क्या? कहाँ का है? नासिक का है क्या? क्या भाव बेच रहे हैं? 100 से ऊपर बिका है, 100 से ऊपर किलो। 100 रुपए से ऊपर, वाह बड़ी अच्छी भाव में बेच रहे हैं। तो आज बिका है, बहुत दिनों बाद में, बाजार में आमदनी कम है इसलिए बिका है। क्योंकि जितने दिन से टाइम मैं रेट ले रहा हूँ 60-65-70-80 से ऊपर नहीं गया, वही था इसीलिए काल बाजार ऐसे आ जाए। आज माल कम है, दाम बढ़ गया, माल कम है दाम बढ़ गया। नहीं नहीं ठीक बात है, चलो धन्यवाद सर। ओ हिमांशु एग्रो। तो ये था शिमला मिर्च का भाव, 100 रुपए से ऊपर शिमला मिर्च गया है। अब जानते हैं पत्ता गोभी क्या भाव बिक रही है, पत्ता गोभी का भाव भी जान लेते हैं, गाजर का भाव भी जान लेते हैं। ये पत्ता गोभी रखी हुई है और ये है गाजर। नमस्कार भैया, क्या भाव बेच रहे हैं पत्ता गोभी? पता है 20-22 रुपए की, 20 रुपए जैसा माल वैसा दाम। अरे मालिक है भी खड़ा हो गई, जैसा माल होता है वैसा दाम। और गाजर क्या भाव बेच रहे हैं? गाजर 35-40 35-40 45 भी बिकता है, मोटा वाला माल, बढ़िया वाला माल 45। तो लाल गाजर जो आती है वो अपने यहाँ नहीं आती है? अभी टाइम नहीं है, तो अभी सीजन नहीं है मतलब, स्टोर वाला चल रहा है स्टार्ट होता है उसका, अभी स्टोर वाला चल रहा है, स्टोर वाला चल रहा है। और सारी कहीं खबर? हमारा खबर अच्छा है, बढ़िया, चलो बढ़िया बढ़िया, लागे डरो। तो ये पत्ता गोभी थी और गाजर का भाव दिया आपको। तो एक साइड के अंदर कुछ और तो दिखाई दिया नहीं, यहाँ पे शिमला मिर्च का भाव दिया, पत्ता गोभी का भाव दिया,
और टमाटर का भाव दिया, तो आज तो अभी तक तो इसी का ही भाव मिला है। हरी मिर्च का भाव भी दिया आपको, अभी तक तो यही है, बाकी चलते हैं देखते हैं कि कुछ और दिखाई देता है तो और किसी का भी भाव लेते हैं। तो लग नहीं रहा कुछ और भाव देने वाले भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।